इस बार लड़ाई जो है वो कोई चुनाव नहीं है, ये बेरोजगारी हटाओ आंदोलन है। ये चुनाव नहीं, ये बेरोजगारी हटाओ आंदोलन है। सबसे बड़ा सवाल क्या है? बेरोजगारी है। क्या मुद्दा होना चाहिए? कमाई, पढ़ाई, दवाई, सिंचाई, ये होने चाहिए मुद्दे। पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, ये हमारा मुद्दा होना चाहिए। नीतीश कुमार जी के राज में पूरी तरीके से शिक्षा को चौपट कर दिया गया। आप तो जान ही रहे हैं क्या स्थिति होगी शिक्षा की। पूरे बिहार में अस्पताल जाना यानी सीधे शमशान जाने के बराबर हो चुका है। जो बदहाली अस्पतालों की है वो देखी नहीं जा सकती। चमकी बुखार ने पूरे बिहार में देखा, कोरोना काल ने पूरे बिहार में देखा। शिक्षा का तो ऐसा स्थिति है कि सन्नी लियोनी भी बोर्ड का एग्जाम टॉप कर जाती है, ये बताने की जरूरत नहीं। तीन तीन साल में ग्रेजुएशन नहीं हो पाता, बीए का डिग्री नहीं मिल पाता। यूनिवर्सिटियों का क्या हाल है किसी से छुपा नहीं है। उसलिए देखिए, हम सब लोगों से यही एक निवेदन करना चाहते हैं, एक क्षेत्र के विधायक होने के नाते आप लोगों की आशाएं हैं, उम्मीदें हैं कि हमारा नेता हमारे पास रहे, हमारी बात सुने, हमारा काम करे। अभी पूरे बिहार भर में एक हेलीकॉप्टर लेकर के हम चले हैं। नीतीश बाबू और मोदी जी ने 30-30 हेलीकॉप्टर को पीछे छोड़ा हुआ है। ये डर है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के पास कोई चेहरा नहीं है। बीजेपी को जदयू का सहारा लेना पड़ रहा है, बरसाठा का। नीतीश बाबू को बीजेपी का सहारा लेना पड़ रहा है, लेकिन दिल मिला हुआ नहीं है। मतलब के यार है, मतलब के यार है। 15 साल में बिहार का शोषण किया गया, बता रहा गोपुर बिदुपुर की जनता। 15 साल में जो काम होना चाहिए था उस हिसाब से तेजी से नहीं हो पाया। पूरे जिला के बारे में वैशाली जिला का भगत का मनवा होना चाहिए। रोड था, किसी को नहीं पता था, शायद यही ग्राउंड था जहां हमने उप मुख्यमंत्री रहते हुए पूरे वैशाली जिला लगभग 900 करोड़ का लोन हमने देने का काम किया। तो ये क्या कोई विधायक 900 करोड़ का लोन दे सकता है? नहीं दे सकता। तीन पीपा पर 83 से पत्ता चले गए। ये समर मंत्र गांधी सेतु जो पुल बन रहा है, हमने काम शुरू करवाया। दिग्गज लोगों का काम हमने शुरू करवाया। 6 लेन का ब्रिज बन रहा, बिदुपुर में गिर रहा है। ये तो सोचो कि दिया का छोड़ दिया गया था, सीधे पट्टा से बिदुपुर उतर रहा था। मेरा ध्यान पड़ा तो भाई हम बोले कि बिदुपुर से और पट्टा से चलता था दियर के इलाके में भी उतारो इसे। तो उसका हम लोगों ने शुरुआत करने का काम किया, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां देने का काम किया। आप लोग जानते हैं आग जलने जो सबसे बड़ा मुद्दा होता है। गर्मी जब होता है तो आग लग जाते हैं खेतों में फसल बुझाने के लिए। दमखल की गाड़ियां नहीं होती थी, लगातार हम लोगों ने दमखल की गाड़ियां को देने का काम किया। इंजीनियरिंग कॉलेज खानपुर पकड़ में हमने देने का काम किया। सब लोगों को पता है महुआ में मेडिकल कॉलेज। तो आप सोचे उप मुख्यमंत्री रहते हुए नए नए थे, अब तो हमको 50 साल का नया अनुभव हो गया। जितना इन लोगों ने तंग किया, सताया, तो सोचो 18 महीने केवल सरकार में रहे। 5,000 करोड़ का 6 लेन का पुल, 900 करोड़ का पीडब्ल्यूडी का रोड, कई 100 करोड़ का इंजीनियरिंग कॉलेज,
इतना मेडिकल कॉलेज कि कोई मामूली बात नहीं। इसलिए हम आप लोगों से अपील करते हैं कि हमारा जो विजन है, जो रोड मैप है, हम वर्तमान भविष्य की चिंता कर रहे हैं। हमें पता है, अब देखिए कितना केला का खेती होता है, फूड प्रोसेसिंग यूनिट लग सकते हैं। तो आप लोग एक बार आशीर्वाद दीजिए, आप लोग समर्थन दीजिए, ताकत दीजिए। अब तब देखिए इस नौजवान का काम देखिए। 15 साल आपने नीतीश जी को मौका दिया, देखिए विधायक होना, लेकिन सरकार में रहकर मुख्यमंत्री होना उसने बहुत फर्क होता है। तो सब लोग नारा लगा रहे हैं कि राजोपुर के लोग विधायक नहीं सीएम चुनते हैं। तो दोनों हाथ ऊपर करके बताइए आशीर्वाद रहेगा। देखिएगा बहुत लोग जात पात के नाम पे, धर्म के नाम पर लोग बांटने का कोशिश करेगा, लेकिन आप लोग बेरोजगारी के मुद्दे, अरे हम मुख्यमंत्री बनेंगे 10 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी मिलेगी तो राघवपुर पीछे छूट जाएगा, विदुपुर पीछे छूट जाएगा। मेरा सब भाई सब डिग्री ले लेके बौराई चल रहा है, जूता छी आ गया, मिल रहा है नौकरी, मिल रहा है। हम मान लो मेडिकल कॉलेज खोल रही है, हम लोग सुनिए, मेडिकल कॉलेज हम दे दिए, इंजीनियरिंग कॉलेज दे दिए, लेकिन वो डिग्री का क्या कीजिएगा जब तक रोजगार नहीं मिलेगा, काम नहीं मिलेगा। कई अस्पताल आप जाओगे तो वहां रोजगार की कमी है, पदे खाली है, रिक्त पड़ी है। 4.5 लाख सरकारी नौकरी शिक्षा विभाग में, स्वास्थ्य विभाग में, पुलिस महकमे में और लगभग 60% जूनियर इंजीनियर का खाली है, चपरासी का खाली है, क्लर्क का खाली है, गार्ड का खाली है, सपोर्टिंग स्टाफ का खाली है। 4.5 लाख ये भरेंगे और 5.5 लाख राष्ट्र औसत के मुकाबले आने के लिए, वो 10 लाख होता है। तो ये सारा काम हम लोग करना चाहते हैं। बस आप लोग जान रहे समय का भाव है, लालू जी के गैर मौजूदगी में हम सब लोगों को जिम्मेदारी अपने अपने कंधे पे लेना है। ये पहला ऐसा चुनाव है जिस चुनाव में आपके नेता, हमारे पिता आदरणीय लालू जी शारीरिक रूप से हम लोगों के बीच नहीं है, है कि नहीं? और देखो भाई लोग, लालू जी का रिकॉर्ड था 16 रैली का एक दिन में, आज हम लोग रिकॉर्ड तोड़ा है 17 रैली हम लोग के लगाते हैं, क्योंकि पूरा बिहार में दिल में लालू जी बसते हैं। कोई देश का नेता एक दिन में 17 रैली नहीं किया होगा। आप जान रहे कोरोना काल में चुनाव हो रहा है, कम समय मिला है, खास करके सेकंड फेज के तो चुनाव का प्रचार करने का समय नहीं मिला है। और हम अकेले हैं 243 सीटों पर, हमको घूमना पड़ता है। आप हमारी मजबूरी को समझ रहे होंगे, इसलिए हम तो यही चाहेंगे कि राघोपुर बुद्धपुर की जनता, चाहे कोई जात के हमारे भाई हो, पिछड़े हो, स्वर्ण जाति के हो, पिछड़े जाति के हो, अति पिछड़े भाई हो, दलित भाई हो, महादलित भाई हो, आदिवासी भाई हो या अल्पसंख्यक भाई हो, तेजस्वी यादव सबका हाथ पकड़ के साथ लेकर के चलने का काम करेगा। सबको मान सबको सम्मान देना पड़ेगा। और देखिए बगल से हाजीपुर है, देर कुमार चौरसिया जी को हम लोगों ने टिकट दिया, जो वादा किया वो हम लोगों ने निभाने का काम किया है। पूरे बिहार भर में लगभग
दो चौरसिया जी को हम लोगों ने टिकट दिया है, एक पर्वता से हम लोगों ने दिगंबर चौरसिया जी को टिकट दिया और इधर हम लोगों ने हाजीपुर से देव कुमार चौरसिया जी को टिकट दिया। सभी लोगों का हम लोगों ने ख्याल रखने का काम किया है। टिकट वितरण में भी चाहे सुवर्ण जाति के लोग हो, पिछड़ी जाति के हो, अति पिछड़ी जाति के हो, दलित हो, अल्पसंख्यक हो, सब लोगों का हमारे महागठबंधन ने ख्याल रखा है। तो देखिए, जात-पात से ऊपर उठ करके एक नया बिहार बनाना है, जहाँ तरक्की की बात होनी चाहिए उसमें हम बस चाहते हैं कि बेरोजगारी हटाओ आंदोलन, चुनाव नहीं मानता मैं बेरोजगारी हटाओ आंदोलन मानता हूँ।